कार सीएनजी स्विच के बारे में आज का वीडियो है। एमपीएफआई सीएनजी स्विच वायरिंग के बारे में आज बताने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा सीएनजी स्विच के वायरिंग पे ऊपर है। सीएनजी स्विच हर कोई कंपनी का अलग अलग रहता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर 7 वायर ही रहते हैं और उसका वायरिंग का कोड अलग अलग हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल तो एक ही है सीएनजी किट का चलने का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादातर यही किट है जो एमपीएफआई स्विच बोलते हैं उसके अंदर यही वायरिंग रहता है सीएनजी के अंदर, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले शायद आपको मालूम हो या ना हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर 2 वायर निकल जाएंगे बीच में से, रेड और ब्लैक। तो ये रेड वायर है फ्रेंड्स, उसकी बात करता हूँ मैं आपको। जो चाबी स्विच रहता है हमारा की लॉक, वहीं से जो 12 वोल्ट इग्निशन पे निकलते हैं, यानी कि जब हम चाबी ऑन करते हैं पहला पॉइंट आएगा हमारा स्टीरियो यानी कि टेप चलने वाला, और उसके बाद में आएगा जो इग्निशन का, जो मीटर के अंदर इंजन चेक वगैरह लाइट आती है। जब हम इंजन चेक का लाइट आता है वो पॉइंट पे गाड़ी रखते हैं इग्निशन ऑन, तब जो वायर में करंट आना चाहिए 12 वोल्ट उसी वायर में हमें ये वायर देना है रेड कलर का। और सबसे ध्यान देने वाली बात वो है कि वो चाबी के अंदर जब हम सेल्फ लगाए तब 12 वोल्ट जाने नहीं चाहिए, 12 वोल्ट रहने ही चाहिए और गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद भी रहने चाहिए। 2 वायर रहते हैं इसमें, कभी कभी क्या है ना मैकेनिक या कोई किसी से भी गलती हो जाती है, जो जानता नहीं है वो, तो चाबी ऑन करके इग्निशन 12 वोल्ट दे देता है और जब गाड़ी सेल्फ लगाते हैं तो उसमें 12 वोल्ट गायब हो जाते हैं, तो गाड़ी लॉन्ग सेल्फ लेकर स्टार्ट होती है। तो एक ध्यान देने वाली वही बात है कि जैसे ही हम इग्निशन ऑन करें 12 वोल्ट वो जो वायर में आता है इग्निशन चाबी वाला उसी में देना है, और सेल्फ लगाने के समय उस वायर में 12 वोल्ट नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए, तो हमारा गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ग सेल्फ नहीं लेगा। तो ये रेड वायर 12 वोल्ट है इग्निशन की का, और उसके साथ में जो ब्लैक वायर है वो ग्राउंड है, इसे हम बॉडी अर्थ भी कहीं भी दे सकते हैं या तो फिर बैटरी नेगेटिव वायर पे भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 वायर अलग हो गए, अब रहे मेन वायर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब तो सबसे पहले बात करते हैं एक ग्रीन और वाइट वायर के बारे में। तो फ्रेंड्स और ग्रीन और वाइट है वो हमारा जो सीएनजी प्रेशर गेज लगा रहता है कि गाड़ी के अंदर, जो यहीं पे स्विच में दिखाता है हमारे जो हरी लाइटर रहती है सिग्नल की कि सीएनजी इतना है, इतना है, 1, 2, 3, 4, उसका जो सिग्नल का मीटर से आता है प्रेशर गेज से कि कितना सिग्नल गैस है गाड़ी के अंदर, वो सिग्नल का है। ठीक है, और जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर वो सीएनजी वेपोराइजर, जो हमारा डब्बा लगा रहता है आगे वेपोराइजर बोलते हैं उसे हम सीएनजी का, उसका सोलोनॉइड का वाल का रहता है ये, जो जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो तो टक जैसे आवाज आती है जब पेट्रोल में से गाड़ी सीएनजी पे जाती है, तब ये इस ब्लू वायर के अंदर 12 वोल्ट आते हैं, तो वो सोलोनॉइड वॉल्व है वो काम करता है, वो इसके अंदर 12 वोल्ट यहीं से जाते हैं ये ब्लू वायर से जो सीएनजी का सोलोनॉइड वॉल्व का है। और उसके अंदर 2 वायर लगे रहते हैं सोलोनॉइड के अंदर वाल के अंदर, तो एक अर्थिंग सीधा वहीं पे ग्राउंड दिया जाएगा बॉडी अर्थ पे और सीधा प्लस 12 वोल्ट यहीं से जाएंगे। ठीक है, और येलो वायर पेट्रोल का है, येलो वायर पेट्रोल का है। तो ये येलो वायर ज़्यादातर कोई भी मैकेनिक देता नहीं है, ये सही काट के छोड़ देता है, क्योंकि इम्यूलेटर लगा रहता है गाड़ी के अंदर, जब हम पेट्रोल पे करेंगे तभी इम्यूलेटर काम करेगा और पेट्रोल का इंजेक्टर में स्प्रे होगा, और जब तक सीएनजी मोड में रखा होगा स्विच हमने यहीं से, तो पेट्रोल स्टार्ट रहेगा पंप, आगे पेट्रोल जाएगा लेकिन रिटर्न टंकी में वापस आएगा, इंजेक्टर में स्प्रे नहीं होगा जब तक इम्यूलेटर काम नहीं करेगा तब तक। तो ज़्यादातर मैकेनिक क्या करता है, इसे यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन कोई मैकेनिक ऐसे भी काम करता है कि इसको जो येलो वायर है सीधा पेट्रोल का जो फ्यूल पंप का मेन वायर रहता है उसी में दे देते हैं फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो मेन वायर रहता है फ्यूल पंप का 12 वोल्ट का उसी में भी इसे दे सकते हैं कट करके सीधा यहीं से, जब पेट्रोल करेंगे तो सीधा येलो वायर से पेट्रोल में 12 वोल्ट मिलेगा गाड़ी चलेगी, और जब गैस करोगे तो 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो फ्यूल पंप भी हमारा बंद हो जाएगा। और दूसरे कोई मैकेनिक इसे रिले में देते हैं सीधा, फ्यूल पंप जो रिले रहता है वहीं पे दे देते हैं, तो उससे थोड़ा सेफ्टी रहता है
अगर फ्यूल पंप जल गया, कुछ भी दिक्कत हुई, तो हमें ये स्विच चेंज नहीं करना पड़ता, वरना डायरेक्ट दे देंगे तो स्विच भी जल जाएगा हमारा कभी कभी। तो सीधा लोड 12 वोल्ट का यहीं पे आ जाएगा। और आप फ्यूल पंप को कट करो या नहीं करो, सीएनजी में चलता है, सीधा इंजेक्टर के वायरिंग से ही पेट्रोल जाएगा और बंद होगा, यानी कि कंट्रोल का इससे फ्यूल पंप काम करता है। ये कट करो या ना करो, लेकिन फ्यूल तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इंजेक्टर इम्यूलेटर लगाए वो स्प्रे करने को नहीं देगा, तब तक पेट्रोल यूज़ होने वाला नहीं है हमारा। और ये लास्ट में ब्राउन वायर है फ्रेंड्स, तो ये ब्राउन वायर इम्पल्स बोलते हैं इसे, ये माइनस में हमें देना रहता है इम्पल्स को, जो गाड़ी में बाटली कॉइल रहती है उसमें लगाते हैं, या तो फिर जो प्लग लगता है उस पर स्पार्क प्लग की जो कॉइल रहती है उसमें लगाना रहता है, किसी एक वायर को चेक करके तीन में से। इम्पल्स वायर है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 7 वायर हो गए हमारे, फिर से एक बार बता देता हूँ, ब्लैक वायर ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट इग्निशन की है चाबी लॉक से, और ये वाइट और ग्रीन वो सिग्नल मीटर है हमारा, कितना गैस है गाड़ी में वो दिखाने के लिए। और सीधा आते हैं ब्लू वायर पे, तो ब्लू वायर 12 वोल्ट सोनोलाइट है जो वेपोराइजर पे लगता है, इसी से गैस हमारा कट ऑफ होता है। और येलो वायर पेट्रोल का है, जो पेट्रोल के फ्यूल पंप में लगा सकते हैं या तो फिर काट देंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब इंजेक्टर को काम तो इम्यूलेटर करता है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, यानी कि येलो वायर पेट्रोल का है। और ब्राउन वायर है इम्पल्स वायर है, ठीक है, इसे हम स्पार्क प्लग के वायर जो पुरानी गाड़ी उसमें भी लपेट सकते हैं, बाटली कोयल है तो इसके अंदर, हाई टेंशन कोयल है तो इसके अंदर माइनस में दे सकते हैं इन प्लस को। और तीन वायर वाला जो हमारा इग्निशन कोयल रहता है ज़्यादातर एम्पीएफआई गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर भी एक वायर उसका रहता है जो मल्टीमीटर से ढूंढ के देना पड़ता है हमें, इसके अंदर भी हम लगा सकते हैं। तो ये एम्पीएफआई स्विच सीएनजी का फ्रेंड्स मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, तो इसी तरीके से ज़्यादातर ये स्विच काम करती है। हर कोई स्विच, यही वायरिंग इसके अंदर रहता है, सिर्फ वायर का कोड चेंज होता है अगर कोई कंपनी चेंज हो जाती है तो, ठीक है, ज़्यादातर इसी तरीके से रहता है फ्रेंड्स। सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, जो रेड वायर है वो इग्निशन का जो रहता है, ज़्यादातर मैकेनिक वहीं से भूल करते हैं, चाबी जब सेल्फ लगाते तो करंट गायब हो जाता है। और जब भी हमें गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, पेट्रोल है नहीं गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स, अगर किसी कार के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया है या पेट्रोल लाइन ख़राब हो गया है, तो ये रेड वायर और ये ब्लू वायर उस दोनों में हमें लिंक देना रहता है, यहीं से सीधा यहीं, तो सीधा गाड़ी हमारा सीएनजी में स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं तो फिर हम यहीं से उसको प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके जो गैस का लाइट है वो ब्लिंक करता है, वो ब्लिंक करना बंद कर देगा, तो सीधा गैस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे पास दूसरी पुरानी स्विच है, मैं आपको दिखाता हूँ, सभी के पीछे 7 वायर ही रहेंगे, कंपनी कोई भी वो क्यों ना हो, जो भी कंपनी हो, वायर तो सिर्फ 7 ही रहेंगे। इस तरीके से सीएनजी स्विच का वायरिंग इस तरीके का है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।